तो बस यहाँ जैसे जैसे मेहंदी जो है हमारी फीकी पड़ रही है, ईद का रंग भी जो है वो फीका पड़ना शुरू हो गया है। आज ईद का चौथा दिन है और जो है अब सब चीज़ें वाइंड अप करने का मौका आ गया है। वाइंड अप इस तरीके से कि देखिए अभी जो भी कपड़े वगैरह हैं, एक तो ईद के बाद आप लोगों को पता है कपड़ों का ढेर, यहाँ मैंने कुछ कपड़े तय करके रख दिए, ठीक है। दुपट्टे अभी अलाइन करने हैं, ये मेरा कल का ड्रेस है जो मैंने जाना था अपनी खाला के घर, नहीं जा सकी थी तो ये अभी मैंने प्रेस ही छोड़ दिया कि फिर कहीं जाना होगा तो फिर हम उसको कर लेंगे। अभी यहाँ पे तकरीबन चीज़ें जो है ना वो सारी डिस्टर्ब हुई भी पड़ी हैं, ये सब चीज़ें अभी करेंगे, अलाइन करेंगे। आपको पता है ईद के बाद सारी चीज़ें फैलावा इतना हो जाता है कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं डालूँगी मैले कपड़ों में, और कपड़ों का ढेर अगर आप लोग देखें ना तो हैरान हो जाएंगे, ये देखें इतना कपड़ों का ढेर मेरे पास जमा हो गया है। इन बॉटल्स को भी हम अलाइन करेंगे, ऐसे करके रख देंगे क्योंकि मुझे बेतरतीबी से चीज़ें रखी हुई बहुत बुरी लगती है। सही है। और यहाँ मोहसिन के खिलौने पता नहीं क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने अपने सारे जो डिस्कार्ड किए हुए खिलौने हैं ना वो इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। बस सही है, चलो ना ये जगह सही हो गई अब हमारी। ना मुझे ये बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, रात में गर्मी थी तो हमने ये दोनों जो है ना दरवाज़ों को खोल दिया था, बट दिन में नहीं खोल सकते। दिन में इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि गर्मी जो है ना तो वो तो आती ही आती है, लॉक गर्मी आती तो आती ही है बट अपने साथ साथ मिट्टी भी लेकर आती है, तो यूँ करके हम पर्दों को डाल देंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। नाम पूछ रही, क्या नाम है तुम्हारा, और बस दिल चाह रहा है बस ये कहते जाओ कराची वाले, नाम है हमारा कराची वाले, नाम है हमारा। ठीक है जी, तो ये पर्दे जो है ना मैंने इस तरह कर दिए हैं, ठीक है। अब इन पर्दों को मैंने ऐसे करके कर दिया है ताकि जो है अब रात में फिर बच्चों के लिए मैं ये खोल दूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे बेडशीट बहुत बुरी लग रही है, मैं बच्चों की जो है वो पिंक कलर की बेडशीट बिछाऊँगी, ठीक है जी। मैंने बॉक्स निकाल दिया है, क्या ऑफिस का काम कर रहे हैं? बस कामरन अपना लैपटॉप निकाल लिया, कामरन अपना काम करेंगे, हम अपने घर का काम करेंगे। मैंने ये वाली बेडशीट निकाली है, इस वाली बेडशीट को अब मैं बिछाऊंगी, ठीक है। ये देखिए चादर भी बिछ गई और मैंने पिलोज़ को सेट भी कर दिया। ये एलईडी का मैंने एलसीडी का निकाला हुआ है हमने तार, क्योंकि बच्चों को अगर देखना होता तो मोबाइल यूज़ कर लेते। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और ईद से फारिग हो गए होंगे, सारे काम समेट रहे होंगे। मैंने भी देखिए काफ़ी हद तक काम अपने घर के समेट लिए हैं, आज मैंने उससे में काफ़ी सारे काम समेटे। आज मैंने वॉशरूम भी साफ़ कर लिए, चीज़ें अलाइन कर ली, ज्वेलरी समेटी, क्योंकि फिर अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि फिर मंडे से तो ज़ाहिर है हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्रॉकरी सेट लेकर आ जाए, तो मैं अभी फ़िलहाल वहाँ जा रही हूँ क्रॉकरी लेने के लिए। उसके बाद जो है फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद फिर मैंने करना है उसको ज़ाहिर है सेट करके रखूँगी। बाकी चीज़ें जो है ना कपड़े अभी रह गए हैं वो धुलने के लिए, वो धुलेंगे, ठीक है जी। और कपड़े तय हो गए हैं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें सबके घरों में ईद के काम ईद के अगले दिन ही बढ़ जाते हैं, ऐसे ही मेरे घर में भी यही होता है ज़ाहिर है। तो बस ये सारे काम निपटा के तो फिर बच्चों वाला घर है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो जगह से बेजगह होती ही रहती हैं। तो बस इसके बाद फिर आज मैंने सोचा आज बहुत सिंपल सा खाना बनाया जाए, कल कामरन की तबीयत सही नहीं थी तो नहीं बना पाई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बनाऊँ आज ताहरी, बहुत अच्छी येलो येलो सी ताहरी बनाऊंगी आज, और खिचड़ी सलाद बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम मार्केट। ब्लैक भी कितना अच्छा लग रहा है ना, स्पून भी यहीं से ले लेंगे अगर सही लगे सारी चीज़ें। हाँ प्लेन भी है ना, कटलरी सेट तो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यूज़ के लिए चाहिए प्लेन स्पून। और इसमें और क्या चीज़ें होती हैं भाई? टी चाय हाँ कप सॉसर, सिंपल वाले चाहिए डिज़ाइन वाले नहीं, खाली मग बोलेंगे खाली मग। हाँ ये वाले, ये जो चकोर वाले हैं ना आप दिखा रहे हैं, ये वाले खाली मग्स पे लेंगे, खाली मग्स का क्या भाई?
कैसा है ना, कप सॉसर से मिल जाएगा। 41 का लगा दूंगा, 21 का फाइनल। वाइट ग्लास वगैरह सब है हमारे पास, जो भी ये फ्रूट बोल वो भी है मेरे पास, क्या जरूरत है बिना वजह। ये मुझे घर के यूज के लिए चाहिए है ना। स्वीट का सेट दूँ? नहीं, स्वीट सेट तो है मुझे। आप ये ना बताएं अभी, अब 12-12 कितने तक का क्या हिसाब किताब लगेगा इसका? ये माइक्रोवेव सेट भी है और क्वालिटी वाइज भी और प्योर में। वाह जबरदस्त, ये तो आपने जादू कर दिया। चीज है क्वालिटी वाली, मैं नहीं फेंकूंगी, मुझसे तो वैसे ही टूट जाती है। सबसे फायदा और सबसे क्वालिटी वाइज अच्छा वाला कौन सा? वो स्टील वाला, ये भी स्टील है, ये अच्छा, ये तो होता है मेटल मेटल मेटलिक मिलेंगे, इसमें मेटलिक मिलेंगे, इसका गोल्डन कलर मिल जाएगा। गोल्डन कलर इसका दिखा, वो अच्छा है मैरून वाला। हाँ उसे उसे थोड़ा सा पता है, इसके सब में शीशे में ना तीन स्पॉट होंगे जो जेन्युइनली पहचान है। शीशे ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं जो तुम्बर की पहचान होंगे। हाँ ब्लैक स्पॉट होता है, ये जेन्युइन थर्मस की पहचान बता रहा हूँ तुम्हें। सर गोल्डन कलर वाला साइज बड़ा है, 1.3 का साइज है ये, बाकी सब 1 लीटर। कितने कप्स आ जाते हैं इसके अंदर नॉर्मल? 1 लीटर में 7 कप आते हैं नॉर्मल, 7 कप। ठीक है, इसका गोल्डन कलर कॉपर कलर है। सही, दो ही कॉटन होंगे, एक कॉटन में तो नहीं आएगा। सही, मैं ही चाट ले रही हूँ। पापड़ी के एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, मिर्चे मैंने कम रखवाई है, रक्षा में रखी है। ठीक है जी, कामरा आएंगे बाइक पे, माशाल्लाह माशाल्लाह से ले रहे हैं। और ये चना चाट भी आ गई है जी, ठीक है तो इट्स ओके। चलो चले भाई, हमारा सामान जो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। देखेंगे भी वहाँ से इसकी डेस्टिनी तक लेकर जाएंगे। ठीक है जी, सामान यहाँ रख दिया है, इसको सेट करना है। इसके सेट जब हम करेंगे तो वाली वीडियो हो सका तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, अदरवाइज अभी फ़िलहाल जो हम ये चीज़ें चेक कर रहे हैं कि सारी क्वान्टिटीज़ जो हैं वो हमने जो ली हैं वो 12 की ली हैं तो सब बराबर हैं या नहीं, तो इस टाइम में हमारी सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। 2 बोल्स हैं कामरन, 2 राइस वाले बोल्स हैं और 2 लिड वाले बोल हैं, लिड वाले ना 2 हैं, स्क्वायर वाले। हाँ ये वाले, ये देखना पड़ता है। कह तो दिया था मैंने उनसे कि यार भाई आप लोग देखभाल के दीजिएगा चीज़ें, लेकिन फिर भी जो खुद की जिम्मेदारी है वो तो करनी पड़ती है। हाँ हमारी जो है ताहिरी गर्मा गर्म रेडी है,
यहाँ पे हमारी कचूमर सलाद रेडी है, यहाँ अचार भी रेडी है हमारा, और वहाँ पे प्लेट्स रखी हैं, हम अभी खा रहे हैं अपने बच्चों के कमरे में खाना। ये वाह, मौसम नहीं रुका जा रहा यार। अगर आप लोगों को भूख लग रही है ना, जल्दी से आ जाए घर पे मेरे, सही है, गरम गरम तायरी खाइए हमारे हाथ। कमरे में आपके लिए गाना खा रही हूँ, ठीक है, गाऊ फिर से एक बार। बिखर जाते हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते। देखा मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, कितने प्यारे प्यारे गाने सुना रही हूँ, है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो बस गाना सुनने के बाद कामरान को मुझको शायद मोहब्बत आई, शायद पता नहीं प्यार आया, तो हम लोग फौरन गए और हमने जो है गोला कंडा मंगवा लिया। और गोला कंडा लेने गए तो हमने सोचा वहाँ पे बैठ के खा लेंगे, लेकिन वहाँ बैठ के नहीं खा पाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। फिर हमने जो है उसको पार्सल करवाया, बच्चों के लिए भी लिया, और फिर उसके बाद फौरन दौड़े दौड़े घर की तरफ। यार ये बहुत मज़े का बफर जोन में मिलता है, छोटा वोटा है कोई शॉप ना, तो उसके बाद ये तकरीबन हमें खाते खाते जो है वो तकरीबन एक डेढ़ बज गया था। स्कूल तो स्कूल के ऑफ थे नेक्स्ट डे, तो इस वजह से तो बस उसके बाद जो है फिर हमने जो है मज़े से जो है अपना गोला गंडा खाया, और लिमका लेमनेट जो है था, लाइम जिंजर, जिंजर एंड लाइम था वो पिया, और वो वाकई बहुत 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 मज़े का था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको उसकी लोकेशन बाद में बता दूंगी, अभी फ़िलहाल मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कहाँ था, लेकिन बट यार ये बहुत मज़े का था। तो मुझे जो है ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जो है फिर मैंने, आप ये देखें कॉम्बिनेशन मेरा देखें, मैंने जो है इसके साथ गोले गंडे के साथ से स्पेशल गोला गंडा था, इसमें आइसक्रीम वगैरह भी डली हुई थी, तो मैंने स्पेशल गोले गंडे के साथ मैंने लाइम पिया। व्हाट अ कॉम्बिनेशन ना, आप लोगों ने कभी पिया हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। और वीडियोस कैसी लगी? तो जनाब उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अभी हम लोग चाय टाइम कर रहे हैं, मुतावा जो है वो कोचिंग जाने के लिए रेडी हुई है, बाबा का वेट कर रही है, और जो है अभी हम चाय पी रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, जाहिर है उनको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, और चाय पीना भी बहुत ज़रूरी है, कि चाय जो है ना वो कराची वालों की थकन मिटाती है ना। तो वैसे मैं जो हूँ ना, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ज़रा सा जो है ना अपने वेट पे तवज्जो दूँ, वेट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ रहा है खा खा के ना, पता नहीं, पहले तो मेरा वेट बढ़ता ही नहीं था और अब जो है मेरा वेट बढ़ने लग गया, तो ज़ाहिर है जब जो है ना बढ़ रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। आप लोग ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और इसके बाद वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग ज़रूर पसंद आ रहे होंगे, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में बहुत सारी दुआ में हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।